यूट्यूबर ध्रुव राठी पर 20 लाख रुपए की मानहानि का मुकदमा करने वाले बीजेपी नेता सुरेश नकुआ और मोदी की नजदीकियों से पहले दोस्तों आपको ये दिखाते हैं कि मानहानि का मुकदमा करने वाले सुरेश नकुआ की व्यक्तिगत सोच और उनकी मानसिकता कैसी है। इनके ट्विटर हैंडल पर देखें तो ये कहते हैं कि गर्व से हिंदू हैं और ऑफिशियल मुंबई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और मोदी से काफी नजदीकियां हैं। इन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर 20 लाख रुपए की मानहानि का मुकदमा किया है। खैर, इस पूरे मामले पर ध्रुव राठी बिना डरे हुए एक ट्वीट में कहते हैं कि बीजेपी के एब्यूजिव अंकल ने मेरे खिलाफ 20 लाख रुपए का कोर्ट केस दायर किया है क्योंकि मैंने उन्हें एब्यूजिव कहा था। क्यों इतनी बेइज्जती कराने का शौक है इन लोगों को? अब इन अंकल की पूरी एब्यूजिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिश होगी। दोस्तों, ध्रुव राठी की इस हिम्मत का एक खास कारण ये है कि वाकई में ये जो अंकल है ना, सुरेश नकुआ, जिनकी मोदी जी से बड़ी नजदीकी है, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। ये वाकई बेहद बदतमीज और ओछी टिप्पणी करने वाले ट्विटर यूजर के तौर पर जाने जाते हैं। ट्विटर पर ये तमाम महिलाओं को अपमानजनक टिप्पणियां गाली गलौज करते हुए मिल जाएंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर सुरेश नकुआ की तमाम वो स्क्रीनशॉट शेयर की जा रही हैं जिसमें वो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को बेहद अपमानजनक और भद्दी टिप्पणी के साथ अपमानित कर रहे हैं और साथ ही अन्य महिलाओं को भी गंदी गंदी टिप्पणियों के साथ नवाज रहे हैं। बीजेपी नेता सुरेश नकुआ की इन्हीं टिप्पणियों को लेकर ध्रुव राठी ने कहा है कि भले ही इन्होंने मुझ पर 20 लाख रुपए का मानहानि का केस किया हो, लेकिन मैं इनकी गंदगी का इतिहास अब सार्वजनिक करने वाला हूं। दोस्तों, इन तमाम ट्वीट्स में आप देख सकते हैं कि सुरेश नकुआ कैसे श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं, उनको बिच, बॉर्न बिच, प्रोस्टिट्यूट जैसे तमाम बेहद खतरनाक और अपमानजनक शब्दों के साथ नवाज रहे हैं। ये तमाम अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए गए शब्दों में अन्य महिलाओं को भी प्रोस्टिट्यूट, बीच और गंदे शब्दों का इस्तेमाल महिला पत्रकारों के लिए भी कर रहे हैं, जिसको इस स्क्रीन पर पढ़ते हुए दोस्तों मुझे खुद भी शर्म आ रही है। एक ट्वीट में तो इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे देखकर आप भी शर्मा जाएंगे कि इतना गंदा आदमी मोदी के इतने करीब कैसे हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि यू कन्फर्म दैट यू आर प्रोडक्ट ऑफ रेप, आई बलात्कार की पैदाइश। इतना गंदा ट्वीट करने वाले इस इंसान ने ध्रुव राठी पर मानहानि का मुकदमा किया है। लेकिन दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में आपको बता दें कि इनको लेकर क्या कहा था। ध्रुव राठी ने एल्विस यादव को जवाब देने वाले और तमाम गोदी यूट्यूबर्स को जवाब देने वाले अपने वीडियो में 6 मिनट 13 सेकंड पर उन्होंने कहा था कि नकुआ हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल्स है जो कि बीजेपी का बेहद करीबी और मोदी का समर्थक है। इसी आरोप पर बीजेपी नेता नकुआ ने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस किया है। कहा है कि ध्रुव राठी ने मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।